दोस्तों, हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी 1947 में और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लीकेबल हुआ था 1950 में। उसके बाद ही हमें पता चला था कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। पर हमारा ICAI, द इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले का है, 1949, जो कि एक्ट पास करके बनाया गया है। तो ऐसे में ये सवाल है कि ICAI कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ही बन गया? इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट की हिस्ट्री क्या है? पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन था हमारे देश का? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये जो लोगो है, ये कैसे बना? ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल गोल्डन रूल्स। अगर अब भी आप इस वीडियो पर नए हो, इस चैनल पर नए हो, तो अपने चैनल को सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है, जो कि हमारे इंडिया के कंपनीज के ऑडिट और अकाउंटिंग को रेगुलेट करती है। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि 1949 से पहले जब ICAI नहीं था, तब कंपनीज कैसे रेगुलेट हुआ करती थी? तो ये जानने के लिए हमें इस कहानी में कुछ साल पीछे जाना होगा। 1857 के ब्रिटिश राज में जब इंडिया का फर्स्ट कंपनीज एक्ट आया था, तो वो एक्ट था द जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1857। पर इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स थे, जिसे देखकर 1913 में फिर से ब्रिटिशर्स ने स्पेशली मेंशन एक्ट इंडिया के लिए कंपनीज को कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। फिर ऐसे ही कुछ साल बीत गए और 1918 में कंपनीज के अकाउंट और ऑडिट देखने के लिए एक डिप्लोमा कोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके इंस्टीट्यूशन का लोकेशन बॉम्बे में था, जिसमें 3 साल का ट्रेनिंग पीरियड भी मैंडेटरी था जो ट्रेनिंग आज भी हम CA कोर्स में देख सकते हैं। और इस डिप्लोमा कोर्स का नाम दिया गया था गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी। ये डिप्लोमा जो भी पर्सन कर लेता था, वो पर्सन अकाउंटेंट और ऑडिटर के पोस्ट में काम कर सकता था। पर इस कोर्स को बाद में डिसकंटिन्यू किया गया। पर 1930 में उस वक्त के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रजिस्टर्ड मेंटेन करने का डिसीजन लिया, जिसे रजिस्टर्ड ऑफ अकाउंटेंट कहा जाता था। जिन लोगों का उस रजिस्टर में नाम होता था, उनको ही सिर्फ अकाउंटेंट और ऑडिटर का काम करने का अधिकार था और उन्हें रजिस्टर्ड अकाउंटेंट कहा जाता था। पर उसके बाद हुआ यूं कि जो काउंसिल के गवर्नर थे, उनके पास पावर आ गई ऑडिटर को सर्टिफिकेट देने की, जो अधिकार पहले लोकल गवर्नमेंट के पास था। और उसके बाद 2 साल बाद 1932 में एक बोर्ड स्थापित हुआ, जिसे इंडियन अकाउंटेंसी बोर्ड कहा जाता था। और 1933 में पहला एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया गया। इसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पहला एग्ज़ाम भी कह सकते हैं। 1943 आते आते ये काउंसिल भी डिसॉल्व हो जाती है और इसी के साथ लास्ट एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया जाता है। इस इंसिडेंस के बाद देखा ये गया कि अकाउंटेंसी प्रोफेशन काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। इसे रेगुलेट कैसे किया जाए, तो कमेटी का एक रिकमेंडेशन था एक सेपरेट और ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए, जिसका काम सिर्फ इस प्रोफेशन को रेगुलेट और इसकी क्वालिटी मेंटेन करना होना चाहिए। और गवर्नमेंट ने इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया। और ऐसे ही पास हो गया द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। इस एक्ट के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया। अब इंस्टीट्यूट तो बन चुका है, पर ICAI को अपना लोगो नहीं मिला था। अब इसके लिए CA CS शास्त्री, जो कि उस समय के एक CA थे, उन्होंने श्री अरबिंदो, जो कि एक फिलोसोफर थे, उन्हें एक लेटर लिखा। अरबिंदो ने ICAI के लोगो डिजाइन करने के लिए गरुड़ और एक श्लोक के साथ। इसका मतलब होता है सोते हुए लोगों के बीच जागते रहना। अब इस लोगो को ICAI के फर्स्ट काउंसिल मीटिंग में पेश किया गया। 15 अगस्त 1949 में लोगो भी अप्रूव हो गया। ये तो थी ICAI की हिस्ट्री, कैसे ICAI फॉर्म हुआ था, लोगो कैसे मिला। अब बारी है ये जानने की कि ICAI का पहला मेंबरशिप किसे मिला था। जिस दिन लोगो अप्रूव हुआ, उसी मीटिंग में CA गोपाल दास पदम से कपाड़िया को प्रेसिडेंट का भार सौंप दिया गया था और उन्हीं को ICAI का पहला मेंबरशिप भी दिया गया था। मतलब GP कपाड़िया इंडिया के वो पहले CA थे जिन्हें पहला मेंबरशिप मिला था ICAI का।
अब बात कर लेते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले से कैसे बना। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए एक्ट जो ICAI का एक्ट के पार्ट नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ही बन गया था। इसी के साथ आप सभी को हैप्पी CA डे, और इस वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।